Now we are discussing techniques of interpretation. So interpretation is an art learned through practice and experiences. So interpret karna is not a easy thing. Interpretation requires analysis, survey of data, analysis of data, and deriving the inferences from and conclusions from the data. So it is an art which is learned through practice and experiences. Next point is, researcher must give reasonable explanations of the relation which he has found, and he must interpret the lines of relationship in terms of the underlying process. So researcher should be able to explain relation between what he has found. रिसर्चर ने जो भी फाइंडिंग्स फाइंड आउट किए हैं उसको वो प्रॉपरली जज करते आना चाहिए और उसको उसे इंटरप्रेट करते आना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सट्रानियस इन्फॉर्मेशन इफ कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडी. देखो, रिसर्च प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा. If huge amount of data is collected, we already discussed the topic sample selection. So we discussed that sample should be moderate. It should not be of very large size or it should not be very small size. जो भी moderate data select किया है उसमें से एक generalized conclusion निकलना चाहिए. So this extraneous information should be used for interpreting the final result. So this is the point. Then next is, researcher must accomplish the task of interpretation only after considering all relevant factors affecting the problem to avoid false generalization. False generalization का problem क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने कोई whole data set में से sample data लिया है और वो sample data को analyze करके आप कोई result derive कर रहे हो. But it may be possible कि अगर आपका data बहुत स्मॉल डेटा है, उसके क्वांटिटी बहुत लेस है, सो उससे डिराइव होने वाला जो जनरलाइज रिजल्ट है वो सभी सैंपल्स को एप्लीकेबल नहीं होगा. सो उसको हम बोलेंगे फॉल्स जनरलाइजेशन. तो फॉल्स जनरलाइजेशन अवॉइड होना चाहिए. वो कैसे अवॉइड होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है और मॉडरेट डेटा साइज कलेक्ट करना है. रिसर्चर मस्ट अकम्प्लिश द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन ओनली आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉब्लम. सो ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स को रिसर्चर को कंसिडर करना है टू अवॉइड फॉल्स जनरलाइजेशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस इज टू बी टेकन टू पॉइंट आउट ओमिशंस एंड एरर इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो वो एरिया में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है उसका अगर आपने या फिर रिसर्चर ने सजेशंस लिए, इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल टू डिराइव प्रॉपर कंक्लूजन एंड टू इंटरप्रिट द फाइंडिंग्स. सो दिस इज अबाउट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन और टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन.